तूने मेरी यूनिफॉर्म गंदी करके वेल एजुकेटेड है तो ये 5-6 हजार रुपए की नौकरी क्यों कर रही है ये गाड़ियाँ साफ करने की? अगर तू पढ़ी लिखी होती ना तो हमारी तरह इंटरव्यू देने जाती ना कि गाड़ी साफ कर रही होती। हर चीज एकदम लैविश लाइफस्टाइल जिएंगे हम, रॉयल लाइफस्टाइल। और तू यहाँ पे गाड़ियाँ साफ करती रहे ना, नौकरानी नौकर गाड़ियाँ साफ कर रही है, लड़की हो गए तेरे को शर्म नहीं है बिल्कुल? अरे कुछ पढ़ लिख लेती तो तेरे भी अच्छी जगह जॉब लग जाती। अरे यार लेट हो रहे हैं, इससे पूछते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी जी, गवार ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? अरे पागल है क्या, ऐसे कैसे पूछ रहा है? अरे बोल के पूछ। अरे तुझे क्या लगता है ये पढ़ी लिखी है? अरे गवार है। अरे हाँ मैं भी पागल हो गया हूँ, इस गवार को क्या पता होगा। सुन इंग्लिश में लिखा है, बोल के पूछता हूँ। ये मैक्स हॉस्पिटल सेक्टर 12 यही पे पड़ता है। यस सर, आप यहाँ से आगे जाओगे ना तो आप स्ट्रेट रोड पे जाओगे, अगर आप 2 पॉइंट निकलोगे एंड वहाँ से आप राइट जाना देन लेफ्ट आपको मैक्स हॉस्पिटल मिल जाएगा। ये गवार तो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, देन लेफ्ट देन राइट आगे जाके टी पॉइंट। कौन सी अकेडमी से पढ़ के आई है भाई? गवार को भी इंग्लिश पता होगी क्या? देन 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 कर रही है। सर आप लोग मुझे ऐसे जज क्यों कर रहे हो? अगर मैं गाड़ी साफ कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनपढ़ गवार हूँ या फिर पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ। अरे पढ़े लिखे क्या गाड़ी साफ करते हैं? अगर तू पढ़ी लिखी होती ना तो हमारी तरह इंटरव्यू देने जाती ना कि गाड़ी साफ कर रही होती। चल अनपढ़ गवार कहेगी, हमने इससे बस रास्ता ही तो पूछा, ये तो हमारी गली पड़ गई थी, लेफ्ट देन राइट। सीधा सीधा भी तो बता सकती थी कि सीधा जाओ लेफ्ट लो और गोल चक्कर से राइट लो, इतना ये क्या बोल रही है देन राइट देन लेफ्ट, इतना इतरा रही है। अरे नहीं नहीं मैम ये गाड़ी तो मैं ज्यादा बातें मत कर, तुझे हम यहाँ बातें करने नहीं आए हैं। अरे मैम आप मेरी बात तो सुनो। बदतमीज, तूने मेरी यूनिफॉर्म गंदी करके तूने मेरी यूनिफॉर्म गंदी कर दी, तुझे शर्म नहीं आती? अभी तो हमें इंटरव्यू देने जाना है। तेरे को पता भी है लाखों रुपए है हमारी सैलरी, डॉक्टर से हम आज हॉस्पिटल में जाके सेलेक्ट होते ही हमें पर्सनल गाड़ी मिलेगी, हर चीज एकदम लैविश लाइफस्टाइल जिएंगे हम, रॉयल लाइफस्टाइल। और तू यहाँ पे गाड़ियाँ साफ करती रहे ना, नौकरानी नौकर गाड़ियाँ साफ कर रही है, लड़की हो गए तेरे को शर्म नहीं है बिल्कुल? अरे कुछ पढ़ लिख लेती तो तेरी भी अच्छी जगह जॉब लग जाती। ये क्या पड़ेगी, एक काम कर, तुझे जॉब की जरूरत है तो ज्यादा लोगों को ना यहाँ पे रास्ता मत बता, भलाई का काम मत कर, इससे अच्छा हॉस्पिटल में चल, तेरे को स्वीपर की जॉब दिलवाता हूँ। चल हाँ। आपको सीवी दिखाना, आपको तेरी हिम्मत कैसी है सीवी छूने की? छी सारा सीवी खराब कर दिया, अंग्रेजी में लिखा है इंग्लिश पढ़ने आती तेरे को? प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस सर, मैंने बोला ना मैं वेल एजुकेटेड हूँ। वेल एजुकेटेड है तो ये 5-6 हजार रुपए की नौकरी क्यों कर रही है ये गाड़ियाँ साफ करने की? शर्म नहीं आती है? अरे जाके कहीं अच्छी जगह जॉब कर ले, नहीं तो मैं ही लगवा दूंगी तुझे। हमारी जॉब लगने ही वाली है, इंटरव्यू देने ही जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो दिन ही खराब हो गया। अरे इस पनौती के मुंह लग गए हम तो, मुझे तो यार आज मुझे लग रहा है सैम हमारा क्या होगा। अरे लेट हो रहे क्या, यही रहेंगे क्या हम? अबे यार हम लेट भी हो रहे, इस गवार के चक्कर में हम लेट हो गए, हमारा अगर इंटरव्यू रह गया ना तो ध्यान रखियो तो ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। सही कहा तुमने, लेट तो तुम हो चुके हो और सिलेक्शन तुम्हारा वैसे भी नहीं होगा। क्यों सीवी लाना अपनी? सीवी तेरी औकात नहीं कि तू हमारी सीवी चेक करे। अरे मैं बताती हूँ, तुम जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो ना सिलेक्शन के लिए वो हॉस्पिटल ही मेरी है, और तुमने मुझे बोला ना मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ गवार हूँ, तो तुम्हें मैं बता दूँ वो हॉस्पिटल मेरी है और वहाँ की डॉक्टर मैं हूँ, गवार मैं नहीं हूँ तुम हो, क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत खराब है और मेरी सोच ऐसी नहीं है। तुम कपड़े से लोगों को जज करते हो, मैं गाड़ी साफ करती, तुमने मुझे बोला गया कि मैं 5-6 हजार के लिए गाड़ी साफ करती हूँ, ये मेरी खुद की गाड़ी है ओन की हुई, तुम्हारी तरह मैं अपने पापा के पैसे पे नहीं उड़ती हूँ। मुझे इस कोट का रौब दिखा रहे हो, ऐसे कोट ना मेरे हॉस्पिटल में पता नहीं 100-100 पड़े होंगे, पर मुझ में ये ना बेवकूफ़ी नहीं है, तुम दोनों में जरा से भी इंसानियत नहीं है, तुम क्या पेशेंट्स का इलाज करोगे, तुम्हारे इलाज से तो पेशेंट और भी मर जाए। ये आपका कोट और आला, भैया आप इसको डिक्की में रखो मैं आती हूँ इनसे बात करके। ठीक है। और तुम दोनों सिलेक्शन तो दूर की बात है, तुम्हें तो मैं अपने हॉस्पिटल के ना आसपास से भटकने ना दूं। यू बोथ आर फायर्ड विदाउट जॉइनिंग, जस्ट गेट लॉस्ट मैम, गेट लॉस्ट। सॉरी मैम गलती हो गई, मैं बहुत प्यार से बात करी, तुम्हारे तमाचे का जवाब ना तुम्हारे तमाचे से दे सकती हूं, निकल जाओ यहां से। हम जा रहे हैं, चल चल चल, गुस्सा हो गई।